हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन में स्वागत है। आज हम लोग केबल ग्लैंड्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं केबल ग्लैंड्स और उसके डिफरेंट पार्ट को। ये मेरे पास हाफ इंच एनपीटी ग्लैंड है। फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लैंड्स के डिफरेंट पार्ट्स का नेम है और ग्लैंड का डिफिनेशन है, ग्लैंड क्या होता है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये ग्लैंड्स को, सारे पार्ट्स को डिसेबल कर दिया हूँ। डिसेबल करने के बाद अब मैं एक एक के बारे में बताता हूँ। ये मेरा चकनेट है और इसको लॉक नट भी कहते हैं। इसको ग्लैंड को होल्ड करने के लिए, हम लोग जेबी या पैनल में टर्मिनेशन करते हैं उसको होल्ड करने के लिए इसको यूज़ होता है। ये मेरा अट टैग है, इसमें ये हमारा ग्राउंडिंग का केबल आके इसमें टर्मिनेट होगा और ये ग्राउंडिंग इसको देता है ग्लैंड को ग्राउंडिंग करने के लिए। और ये मेरा आईपी वाशर है, हम लोग ग्लैंड करते हैं जेबी या पैनल में तो उसको डस्ट से और गैस से या किसी तरह का लिक्विड अंदर ना जाए, इसको ऐसे करके इसको होल्ड किया जाता है और टाइट किया जाता है, ये प्रोटेक्शन देता है। फिर ये हमारा निपल एंट्री पार्ट है, चाहे इसको ग्लैंड नट बोल सकते हैं, ये ग्लैंड नट है। और इसके बाद हमारा आता है ये रबड़ का, देखिए ये इनर सील है, ये हमारा सीलिंग के लिए यूज होता है, ग्लैंड को सील करने के लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारे पास है दो चीज़, ये है हमारा आर्मर क्लैंपिंग रिंग है और आर्मर क्लैंपिंग कोन है। इस कोन को हम लोग आर्मर को और ये दोनों मिलाकर आर्मर को क्लैंपिंग करने के लिए यूज करते हैं, आर्मर आके इसमें क्लैंप हो जाता है। फिर हमारा ये देखिए, ये इंटरमीडिएट बॉडी है, इस पर डिफरेंट मार्किंग रहता है, इसका क्या साइज है, इसका साइज ये हाफ इंच एनपीटी है और उसका क्या वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड क्या है, इसका प्रोटेक्शन क्या है, सब कुछ इस पर मार्किंग रहता है, किस कंपनी का है, ये सब रहता है इस पर। फिर हमारा ये आता है कंप्रेशन नट है, चाहे सीलिंग नट भी बोलते हैं इसको, तो इसमें इसका क्या है, इसका काम है कंप्रेशन देने का। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये आउटर सील है, ये भी सीलिंग का काम करता है। और ये हमारा तो आखिरी में ये पीवीसी श्राउड है, इसका काम है ग्लैंड को प्रोटेक्शन देना। फ्रेंड्स, अब मैं इस सारे डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल फिर से कर देता हूँ। देखिए ये ऐसे हो जाएगा और ये हमारा रिंग और क्लैंप इसके अंदर, ये इसके बाद ये इसके साथ, फिर हम लोग आईपी वाशर को डालेंगे, ठीक है। ये इसको और टाइट कर दिया और मेरा अर्थ टैग हो गया। उसके बाद हमारा ये चकनेट का या लॉक नेट का ये मेरा ग्लैंड, ये पीवीसी श्राउड डाल दी। ओके फ्रेंड्स, मेरा ये एफएफजे भी है, इसमें हम देख सकते हैं इसमें केबल ग्लैंड हुआ। ये मेरा ग्लैंड है, इसमें देखिए ये मेरा सीलिंग नट है, कंप्रेसर नट है, इंटरमीडिएट नट है और ये हमारा ग्लैंड नट है। इसका ऊपर हम लोग देख सकते हैं, ये मेरा चकनेट है, अर्थिंग का प्लेट है जो इसको ग्राउंडिंग इसको देता है।